हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों क्लास 12th फिजिक्स और चैप्टर 3 अब हम शुरू कर चुके हैं दोस्तों, मतलब अध्याय 3। अध्याय 1 और 2 दोस्तों पूरा जैसे संधारित्र है, विभव है ना, विद्युत धारा है, और दोस्तों विद्युत आवेश संबंधित कूलाम का नियम, कास का नियम, ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। कई स्टूडेंटों का कहना कि सर कैसे देखें हम, तो कृपया आप जाकर प्ले लिस्ट देखें, पूरा वीडियो आपको विधिवत मिल जाएगा, उसमें कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों विद्युत धारा, क्योंकि तो चैप्टर का नाम ही है विद्युत धारा, इसलिए इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे कि विद्युत धारा है क्या, ठीक है ना। तो दोस्तों जैसे ही आपको पता होगा, किसी चालक में जब हम आवेश देते हैं तो उसमें क्या होती है, आवेश में प्रवाह होती है, और उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, और दोस्तों इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में होता है, हमेशा धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। तो समय के साथ उसमें आवेश में जो प्रवाह होती है दोस्तों, उसी को बोलते हैं अपन विद्युत धारा। जैसे यहाँ पर परिभाषा है, किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं अपन, विद्युत धारा कहते हैं। मतलब समय के साथ आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। मतलब एक मिनट में आपके पास जैसे 10 कूलाम आवेश प्रवाह हो रहा है ना, 20 मिनट में मान लीजिए 1000 कूलाम आवेश प्रवाह हो रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों समय के साथ आवेश में प्रवाह की दर को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि समय के साथ आवेश प्रवाह की दर को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। अब बात करें दोस्तों इसकी सूत्र, तो विद्युत धारा का सूत्र होता है, विद्युत धारा का सूत्र होता है दोस्तों समय के साथ। तो समय के साथ क्या प्रवाह, आवेश, तो आवेश बटे समय। मतलब विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, आवेश को Q से, समय को T से, या इसको कैपिटल T से भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि टाइम है ना। तो I बराबर Q अपॉन T, I बराबर Q अपॉन T। अब यदि दोस्तों इसको यदि पक्षांतर करें कि कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश हो जाएगा I इंटू T। तो इन फार्मूलों को भी आप लिख लीजिए, क्योंकि आगे चलकर न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं, क्योंकि ये दोस्तों ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसका मात्रक तो जरूरी है, कि मात्रक तो SI पद्धति में मात्रक आपको पता होगा दोस्तों, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर, ठीक है ना। तो विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों एम्पियर, इसको भी आपको याद करना है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। इसको बिल्कुल आपको याद कर लेना है कि एम्पियर, इसे कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज भी आपको याद करना है कि विद्युत धारा को, मतलब एम्पियर को कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। जैसे विमीय सूत्र जब निकालते हैं तो उसको अपन किससे दर्शाते हैं, कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों जैसे आपने आपने देखा कि I बराबर Q अपॉन T, लेकिन इसी से यदि हम 1 एम्पियर की परिभाषा निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों 1 एम्पियर की परिभाषा निकालने के लिए आपको एक चीज देखना होगा कि I बराबर फार्मूला क्या होता है, तो I बराबर होता है क्यू अपॉन T, ठीक है ना, I बराबर क्यू अपॉन T। अब इसमें क्या लिखना है, यदि 1 सेकंड में, समझिए कितना कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश कितना सेकंड में, 1 सेकंड में प्रवाहित हो, तो 1 से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 एम्पियर बचेगा। अब देखिए परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी चालक के किसी परिच्छेद में, किसी चालक के किसी परिच्छेद में, आपके पास चालक है दोस्तों, किसी चालक के किसी परिच्छेद में 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें बहने वाली धारा दोस्तों 1 एम्पियर कहलाती है। कितनी कहलाती है, 1 एम्पियर। मैंने क्या कहा, किसी चालक के किसी परिच्छेद में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें बहने वाली धारा को क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। कितना एम्पियर कहते हैं, 1 एम्पियर, ठीक है ना। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो दोस्तों, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, 1 एम्पियर कहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, परिभाषाएं याद करना। विद्युत धारा क्या था दोस्तों, किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को, मतलब समय के साथ आवेश की प्रवाह की दर को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। आवेश बटे समय होता है विद्युत धारा का फार्मूला। यदि क्यू बराबर बात करें तो आई इंटू टी। अब दोस्तों एक चीज आप पढ़े होंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है दोस्तों, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो ये चीज आपको याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। अब यदि दोस्तों एक चालक है आपके पास, जैसे चालक, इसमें कुल n इलेक्ट्रॉन है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा n, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो कुल आवेश, किसी चालक की कुल आवेश उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। n मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, e दोस्तों क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है उसका मान है। इस प्रकार से हम पूरे चालक की कुल आवेश की भी गणना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वांटीकरण के सिद्धांत पर आधारित है,
है ना, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मान उसके संख्या के पूर्व गुणज होता है, मतलब कितना संख्या है दोस्तों उसके गुणज होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों धारा घनत्व किसे कहते हैं, है ना, धारा घनत्व और आवेश में संबंध क्या है, तो इसका मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। आज का इंट्रोडक्शन था इसलिए छोटा सा वीडियो। विद्युत धारा क्या है, ये चैप्टर का पूरा नाम है दोस्तों विद्युत धारा, इसलिए आपको पूरा इसको जानकारी संयोज के रखना। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं अगले वीडियो में, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।